गैमिटोजेनिस दोजेनिस फर्स्ट द कॉन्टेंट्स ओजनिस लोकेशन ऑफ ओजेनिस एंड प्राइमरी ओसाइट्स सेकेंडरी ओसाइट्स एंड ओवम ओवरऑल फ्लो चार्ट ऑफ दिस ओजेनिस प्रोसेस स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं जब हम गैमिट्रोजेनिस के साथ हमने लिखा है ओजेंस गेमिट्रोजेनिस बेसिकली है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स गैमिट्स दो तरह के होते हैं स्पर्मस भी हो सकते हैं एग्ज भी हो सकते हैं तो गैमीटोजेंस के अंदर बेसिकली हम जो फीमेल गैमिट्स हैं उनकी स्टडी जाओ दैट इज द ओजेंस तो गैमिटोजेनिस अगर हमें कोई कहता है तो हमने स्पर्मेटोजेनिस और वो दोनों लिखने हैं लेकिन अगर कोई ओवोजेंसिस कह रहा है तो इट मीन्स हमने डेवलपमेंट ऑफ एग जो है उसको डिस्कस करना है तो बेसिकली क्या इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग आर ओवम इन द ओवरिस तो ओवरीज के अंदर एग या ओवम बनने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द दोजेंसिस उसमें मेनली मियोसिस इन्वॉल्व है लोकेशन ऑफ ओजेंस क्या होगी एग कहाँ बांध रहे हैं ओवरिज के अंदर बांधने तो तो अगर हम मजीद डिटेल में चले जाए ओवरीज के अंदर एक्चुअली द फोलिकल्स हैं वो स्ट्रक्चर जो इनके अंदर एग बनते हैं एक ओवरी बहुत सारे फोलिकल्स कंटेन करती है तो हर फोलिकल एक ओवम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं इट इज एक्चुअली द फोलिकल्स वेयर एग्स आर फॉर्मड एग जो है हाँ वो उसकी प्रोडक्शन होती है अब अगर हम जब बात करें कि इसकी जो है वो फोलिकल्स के अंदर जो मदर सेल्स हैं जिसने एग को बनवाना है दैट इज कॉल्ड द ओगोनियम ओगोनीम वो मदर सेल है जो मियोसिस के थ्रू क्या करेगा ओवम के अंदर ये एग में कन्वर्ट होगा तो ओवोगियम एक डिप्लॉयड सेल होता है ये इनिशियली इन होगा अपना साइज़ बड़ा करेगा और साइज बड़ा करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी ओवोसाइट्स के अंदर तो इन ओवोगियम डिप्लॉयड सेल है साइज इंक्रीज करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी वो साइट हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी वो साइट भी वो गोने की तरह डिप्लॉयड ही होगा अब जो मियोसिस का प्रोसेस है वो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी प्राइमरी वो साइट प्राइमरी वो साइट में जब मियोसिस वन होगी तो मियोसिस वन के बाद प्राइमरी ओवो साइट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स एक सेल बहुत छोटा होगा जिसको हम पोलर बॉडी कहते हैं तो जिसको हम कहते हैं और जबकि एक सेल्ड तो मतलब से एक सेकेंडरी छोटा सा पोलर सेल बना है अब सेकेंडरी वो साइड जो है इट विल अंडर गो मियास टू ये मियास टू से गुजरेगा और सेकेंडरी वो साइड से ओवम बन जाएगा ठीक है तो इससे वो ओवम बनेगा और इसके साथ हमारे पास क्या बन जाएगा एक छोटा सा जहा वो पोलर बॉडी दोबारा बन जाएगा तो इससे ओवम और ओवम के साथ क्या कि एक पोलर बॉडी बनेगा तो इससे एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना था प्राइमरी ओओ साइड सेकेंडरी ओ साइड से के दौरान तो और सेकेंडी सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा जब सेकेंडरी ओव साइट से म्योसिस टू के दौरान कन्वर्ट होगा ओवम के अंदर तो एक ओवोनियम से एक ही एग प्रोड्यूस होगा जबकि जो छोटे सेल जो पोलर बॉडीज हैं दे विल इंटीग्रेट उनका बेसिक जो है परपज डिसन ही होगा अच्छा शुरू में जो ओवम बनता, बनता है जो एग बनता है इज आल्सो कॉल्ड द कहते अभी फर्दर थोड़ी सी उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होती है जिसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ओवम के अंदर उसने कन्वर्ट हो जाए तो ओटेड जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाए बाद में ओवम के अंदर हेयर वी हैव द फ्लो चार्ट या हमारे पास पूरा एक डायग्राम है इसकी कि किस तरह से फोलिकल के अंदर सेल मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं ओोगोनियम कहते हैं यानी अगर मैं इसका फोलिकल बनाऊँ तो यूँ बना सकता हूँ कि फोलिक वो गोनियम के आगे पीछे सेल्स की एक मौजूद है अब ये पूरा एक फोलिकल बन गया फोलिकल के अंदर क्या है कि वो गोनियम मौजूद है वो गोनियम अपना साइज़ इंक्रीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी ओसाइट के अंदर ये फोलिकल है इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट मौजूद है अब मियस वन होगी मीओस वन से एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं इसमें साइटोप्लाज्म इतना थोड़ा होता है कि वैसे डाई आउट कर जाता है जबकि जा जो लार्जर सेल इज द सेकेंडरी वो साइड अब मियोसिस टू होगी जिससे एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा जो अगेन डाई आउट कर जाएगा डिसइंटीग्रेट कर जाएगा जबकि एक ओटेड बनेगा इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन होगी उसके बाद ये क्या बन जाएगा ओवम बने बहुत सारी बुक्स में ओटेड का जिक्र नहीं होता है जस्ट सिंपली सेकेंडरी वो साइट से डायरेक्ट ओटेड जो है उसको ओवम जो है उसको लिख दिया जाता है